जनता बोल रही है बहुत हुआ नमो नमो, अब करो स्वाहा फाहा की तैयारी। इस देश में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है वो जनता के जो आए हैं उसके विरोध में, ये उनके जो जनर जो जो जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, क्या सरकार उसके पक्ष में काम कर रही है? नहीं, कुछ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल के ऊपर जिस प्रकार का एक्साइज ड्यूटी लगा के लाखों करोड़ जो सरकार कमाने का काम कर रही है एक तरफ, और दूसरे तरफ अपने पूंजीपति मित्रों का 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ राइट ऑफ कर देती है और उसका भुगतान जनता से करती है, तो आपके माध्यम से हमारा ये मानना है और ये मांग है कि बढ़ती महंगाई को सरकार इसको कम करे, इस पर शीघ्र जो है इस पर रोक लगाए लगातार पेट्रोलियम पदार्थ एकदम। और ये बड़े सोचने की बात कि जो विगत पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए उस दरमियान एक बार भी नहीं इसमें वृद्धि हुई, लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद 5 से 6 गुना 6 बार जो इनमें वृद्धि और इनमें चेंजेस हुआ, तो ये साफ संकेत है कि ये जन की सरकार नहीं है, कुछ लोगों की सरकार है। भाजपा बिल्कुल और क्या कर रहा है आप हमें बताइए, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अपने सबसे लोएस्ट रेट पे है तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान में खासकर बिहार में पेट्रोल और डीजल 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से हर एक चीज़ के दाम बढ़ते हैं। अभी आपने हाल में देखा कि रोड पे चलना भी सरकार ने मुहाल कर दिया है, टोल टैक्स का दाम बढ़ा दिया, टैक्सियों के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल के बढ़ने से खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ जाएंगे, परंतु जनता को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, याद कीजिए कि 2014 में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो यही जनता कह रही है कि बहुत हुआ नमो नमो, अब करो स्वाहा स्वाहा की तैयारी। यानी पेट्रोल डीजल डालकर हमन करने की तैयारी तो नहीं एकदम एकदम। पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा हो गया, जनता तो सूखा सूखा स्वाहा करने की तैयारी में है। और कहाँ गई इनकी टीम, स्मृति ईरानी जी कहाँ गई? 400 रुपये का सिलेंडर महंगा था, आज 1,000 रुपये का सिलेंडर बहुत अच्छा है, ये अपना पीठ ठोकते हैं। ये उज्ज्वला है कि कार्यक्रम को लेकर कि जनहित का कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं, जनहित के अभी आपने हाल में देखा, रेखा से 10वां या 11वां बाल पुल का शिलान्यास करके भूमि पूजन करके गए, वो जन के समस्या के लिए क्या कर रहे हैं? और मैं तो आपको कहूँगा कि उनसे आप पूछिए कि जो आज जनता त्रस्त है उसके लिए आप हमारे प्रतिनिधि हैं, सबके प्रतिनिधि हैं, हमारे भी प्रतिनिधि हैं, आप जनता के दुखों को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?